इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज हैदराबाद म्युनिसिपल इंतखाबात के नतीजों पर काफ़ी तस्करे हुए। टीवी पर मुस्तकिल लाइव दिखाया जा रहा था। टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी रही तो एमआईएम भाजपा दूसरे तीसरे नंबर पर। आखिर इसे इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? इसका सीधा जवाब यही है कि हैदराबाद की एक वाहिद जगह है जहां धर्म जात पात की बुनियाद पर हिंदू मुस्लिम कर सकते थे। अब तो भाजपा और संघी विचारधारा के लोग यह कह रहे हैं कि मुसलमानों ने तो ओएसी को वोट दिया पर हिंदुओं का वोट टीआरएस और भाजपा में बढ़ गया। कहने का मतलब यह है कि इसी खेल तमाशे के लिए भाजपा की पूरी टीम हैदराबाद गई थी। योगी आदित्यनाथ ने तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने तक का ऐलान कर दिया। वाज़ह रहे कि हैदराबाद चार मीनार के नज़दीक एक छोटा मंदिर है जिसे भाग्य लक्ष्मी मंदिर कहा जाता है। अब इस मंदिर पर हिंदू मुस्लिम सियासत खेलना शुरू हुआ है और यही काम को तकमील तक पहुँचाने के लिए वजीर दाखिला यानी गृह मंत्री अमित शाह मंदिर जाकर दर्शन भी किए। ये भी सच्चाई है कि मंदिर पहले नहीं था जिसे बाद में तामीर किया गया। आसार कदीमा यानी पुरातत्व विभाग ने भी इस बात को माना है कि यहाँ पर पहले कोई मंदिर नहीं था। दिसंबर 2019 में आरटीआई के तहत एएसआई को पूछा था कि क्या मंदिर जायज तरीके से बनाया गया था, जिस पर पुरातत्व यानी एएसआई ने नहीं कहा और ये भी कहा कि मंदिर को लेकर कोई तारीखी दस्तावेज नहीं है। 2019 के अंग्रेजी अखबार न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आसार कदीमा महकमा के हैदराबाद सर्कल सुप्रिंटेंडेंट स्मिता ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र करते हुए कहा कि हम 60 के दशक से ही जिला प्रशासन को यह मंदिर हटाने के लिए लिखते आ रहे हैं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तारीख के जानने वाले भी इस मंदिर को बाद में तामीर करने की बात करते। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अड़प्पा सत्यनारायण हो या 80 साल की अवधेश रानी हो, इन्होंने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि चार मीनार के अतराफ में कोई मंदिर नहीं था। वैसे भी चार मीनार के अतराफ में मील के पत्थर हुआ करते थे, कई बार ट्रक की ठोकर से पत्थर गिर जाते थे। इसी तरह गिरे हुए पत्थर को केसरिया रंग लगा दिया गया, बाद में यही रंग फैलता गया, ऐसा आगे अवधेश रानी ने बताया। उन्होंने बताया कि 1967 में यह वारदात पेश आई थी। चार मीनार के पास जो मील का पत्थर था वह हैदराबाद का जीरो माइल भी कहा जाता था। साल 1967 में एक बस ड्राइवर ने उस मील के पत्थर में टक्कर मारी जिससे वह टूट गया। इसके बाद आर्य समाज के लोग आए जिन्होंने दावा किया वो पत्थर भाग्य लक्ष्मी मंदिर का है। उन लोगों ने वहां पर चार खंभों के सहारे एक वक्ती मंदिर की बुनियाद रखी जो केवल 2.5 फुट ऊंची थी। और भी दिगर दस्तावेज हैं जिससे यह साबित होता है कि वह मंदिर नहीं था, पर इसी को बुनियाद बनाकर मुल्क भर में और खास तौर पे दक्षिण भारत में एक बार फिर बाबरी मस्जिद जैसी माहौल को बनाने की कोशिश भाजपा संघी विचारधारा की जानिब से करने के इम्कानात का इजहार कई लोगों की जानिब से किया जा रहा है। और यही वजह है कि जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह, स्मृति ईरानी तक सभी ने हैदराबाद में डेरा डाला था। अगर हैदराबाद नगर चुनाव में भले कम ही सीटें हासिल हुई हो पर यह आने वाले दिनों की दस्तक है जो इस देश को तमाम लोगों को समझना होगा। इत्तेहाद न्यूज सिर्फ एक ही गुजारिश करता है कि इत्तेहाद जिंदगी है और इंतजार मौत है। हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर इख्तदार हासिल करना क्या ये ठीक है? किसानों के एहतजाज को तक देश विरोधी ठहराना कहां तक सही है? शाहीन बाग में जिन्होंने जमहूरी तरीके से एहतजाज किया उन पर बाद में झूठे मुकदमे लगाकर देश विरोधी साबित किया गया और जेल में भी पहुंचाया गया। क्या वाकई लोकतंत्र है? किसानों के एहतजाज को पाकिस्तान या चीन का समर्थन होने की बात कहना बेहद शर्मनाक कह सकते हैं। अब तक 7 किसान इस एहतजाज की जगह मर चुके हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, बजाय अपनी गलतियों को तस्लीम करने के दूसरों पर इल्जाम तराशी करना यही भाजपा मोदी हुकूमत का एजेंडा होता है। एक तस्वीर यह भी बनाई जा रही है कि अगर हुकूमत या मोदी सरकार की मुखालिफत करोगे तो तुम्हें देशद्रोही ठहराया जाएगा।
झूठे राष्ट्रवाद का हवा खड़ा किया जा रहा है और देश में मुसलमानों को अलग थलग करने की मुनज्जम साजिश रची जा रही है। वरना योगी को क्या जरूरत थी कि हैदराबाद को भाग्यनगर कहने की, और अमित शाह को क्या जरूरत थी कि हैदराबाद से निजामशाही को खत्म करने का ऐलान करने की। शायद अमित शाह को निजामों ने देश की खातिर क्या किया इसका इल्म वजीर दाखला को नहीं है। निजाम उस्मान अली ने 5,000 टन सोना बतौर इमदाद देने की भी बात कही जाती है, पर कुछ लोग इसे बतौर इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। जो भी वो अक्सर निजामों ने देश हित में पैसा लगाने की बात कही जाती है। इसी तरह टीपू सुल्तान को भी बदनाम करने की साजिश बार बार की जाती है। अब तो टीपू सुल्तान के नाम को ही तारीख के किताबों से मिटाने का मंसूबा बना भी दिया है। कहने का मतलब यह है, हैदराबाद कारपोरेशन चुनाव में पूरी भाजपा दाखिल होना देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। अब कुछ जिम्मेदारी अवाम की भी होनी चाहिए। इस देश की गंगा जमुनी तहजीब कैसे टिकी रहे, किस तरह इसमें इजाफा हो। लिहाजा कोई भी पार्टी धर्म जात पात पर बंटवारा कर इख्तदार हासिल करना चाहती है तो हम सबको मिलकर ऐसी पार्टियों को इख्तदार से दूर रखने की कोशिश करें। याद रखें कि यह देश इत्तेहाद की बुनियाद पर ही चलता है। बिहार में तेजस्वी यादव हो या तेलंगाना टीआरएस हो, जब भी सेक्युलर पार्टियां जीतेंगी इस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और मजबूत लोकतंत्र में ही हर धर्म जात पात के लोग खुशहाल रह सकते हैं। और यही सच्चाई है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।